ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच जोधपुर और श्रीगंगानगर में पानी में डूबने से हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए अलग अलग ट्वीट्स पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सीएम गहलोत ने उक्त दोनों ही घटनाओं पर दो अलग अलग ट्वीट किए, जिसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जवाब दिया है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सोशल मीडिया पर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकेश शर्मा ने बीजेपी नेताओं की तरफ से ट्विटर पर लगाए गए आरोपों को लेकर दुष्प्रचार की भी बात कही है। आपको बता दें, रविवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां एक डिग्गी में डूबने से एक ही गांव के 5 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों में 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं, जो अपने गाँव के पास ही बनी डिग्गी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन डिग्गी की गहराई ज्यादा थी। ऐसे में एक बच्चा आगे की तरफ गहराई में चला गया, जिसे बचाने के लिए सभी गहराई में गए और पानी में ही समा गए। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं फलोदी जोधपुर के बेदंती कला गांव के तालाब में 2 मुस्लिम युवकों के डूबने की खबर सामने आई थी। इन दोनों घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री के ये दोनों ट्वीट प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में तालाब में डूबने के मृतकों के परिजनों को संवेदना जताने के लिए किए गए थे, लेकिन इनमें से एक ट्वीट में समुदाय विशेष को सम्मान देने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले ट्वीट में श्रीगंगानगर में हुए हादसे पर दुख प्रकट करते हुए लिखा कि श्रीगंगानगर में रामसिंहपुर क्षेत्र के उदासर गाँव में खेत में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता ये परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करे। वहीं एक अन्य घटना में 2 युवकों के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फलोदी जोधपुर के बेदंती कला गांव के तालाब में डूबने से 2 युवकों रहमतुल्ला एवं अकरम की मृत्यु दुखद है। मैं ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति एक शोकाकुल परिवार को हिम्मत देने की कामना करता हूं। मृतक के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैं पुनः प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि बारिश के मौसम में हर संभव सावधानी बरते, छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं सीएम गहलोत के इन दोनों ट्वीट्स को आधार बना अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं, और यदि यह सत्य है तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पराकाष्ठा भी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि गहलोत जी ने एक जैसी 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर एक में सांत्वना दी और दूसरे में शोक सांत्वना के साथ मुआवजा। कांग्रेसियों को यही सेकुलरिज्म लगता है, जिसका राजस्थान में अक्षरश पालन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि एक दिन राजस्थान में 2 दुखद घटनाएं, एक परिवार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल संवेदना से ग्रसित था, उन्होंने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। शोकाकुल परिवार की हिम्मत भी बढ़ाई, मगर दूसरे परिवार के लिए मात्र सांत्वना, मुआवजा धर्म देखकर, ये है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। तो वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जवाब दिया है। लोकेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री गंगानगर में जिन 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, उनमें से 3 मृतकों के परिजनों को भी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कर कवर्ड होने की पात्रा अनुसार 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जोधपुर में हुई इसी प्रकार की घटना से असंवेदनशील और तुलनात्मक रूप से जोड़कर प्रचार करना गलत है। वहीं एक अन्य ट्वीट में लोकेश शर्मा ने लिखा कि भ्रम फैलाना बंद करो,
सत्यता ये है कि श्री गंगानगर में जिन 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई उनमें से 3 के परिजनों को भी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजनागत पात्र अनुसार 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जोधपुर में हुई इसी प्रकार की घटना से इसे असंवेदनशील रूप से जोड़कर प्रचारित करना गलत है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।